हेलो गाइस, अगर आप सीबीएसई स्कूल में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जेई की तैयारी कर रहे हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, कैट, आईएएस, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कोई भी डाउट पूछिए कमेंट में। आपको 2 घंटे के अंदर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपको आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन पूरा स्टेप वाइज आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स, वोकेबुलरी और कोई भी डाउट आपको पूछना हो वहीं पर क्लियर हो जाए आपकी चीज़ें कमेंट सेक्शन में। और पीडीएफ इन सब चीज़ों के चाहिए जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के हमारे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए, और उसके साथ में बेल आइकन आएगा, दबाते ही सब्सक्राइब आप उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे हमारे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे हमेशा। थैंक यू गाइस, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। बच्चों सबसे पहले हमने ये जानना है कि कनकेव मिरर जो है वो लाइट को किस तरह से बेंड कर देता है। तो देखिए, मान लीजिए कनकेव मिरर है, अगर कोई लाइट, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो मिरर पर पड़ने पर, मतलब मिरर पर जब वो पड़ेगी तो 90 डिग्री पे पड़ेगी, वो अपने ही पाथ पे रीट्रेस करती हुई अपने पाथ को वापस चली जाएगी। मींस अगर ऐसे आई है तो वो ऐसे ही चली जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलेगी। और अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी तरीके से अगर कोई लाइट पोल से होके जा रही है, अगर वो पोल पर पड़ रही है, तो वो आई इज्क्वल टू आर का फॉर्मूला लगाकर, मीन्स हमने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को इक्वल कर देना है, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चों इन्हीं चार तरह के बिहेवियर्स को स्टडी करके हमने इन्हीं के बेसिस पे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के लिए इंफिनिटी पर पड़ा है, तो क्या होगा, उसे जो लाइट्स आ रही हैं वो पैरेलल आएंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमें पता है कि पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है, मींस हमें इमेज कहां पे मिलेगा, एट एफ, मींस प्रिंसिपल फोकस पे। ये जो इमेज होगा रियल होगा और डिमिनिश्ड होगा, काफी छोटा होगा। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर पड़ा है, तो जो लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो 90 डिग्री पर पड़ेगी मिरर को और अपने पाथ पे वापस आ जाएगी। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, वहां पे ही हमारी इमेज बनेगी। अब ये इमेज कहां पे बन रही है, एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी, ये रियल बन रही है। रियल का मतलब क्या, कि एक्चुअल में लाइट मीट कर रही है, इन्वर्टेड बन रही है, दिख रही है आपको, और काफी छोटी बन रही है, अपने ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनेगी। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट सी पर पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जो लाइट पैरेलल जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर जाएगी, और जो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज मिला, और कहां पर मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो हम बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर पड़ा है तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, सी पे, वो रियल होगी, मींस लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मींस उल्टी बन रही है, और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में पड़ा हुआ है, तो जो लाइट पोल पर पड़ रही है वो आई इक्वल टू आर का फॉर्मूला लगा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो फोकस से होके जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो हमें इमेज कहां मिल रही है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। और ये जो इमेज मिल रही है वो रियल है, लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, इन्वर्टेड है और थोड़ी इनलार्ज्ड है। तो क्या है, अवे फ्रॉम सी, रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पे पड़ा है तो क्या होगा, देखिए जो लाइट पैरेलल जा रही है वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, और जो लाइट पोल पे टकरा रही है वो आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग
रिफ्लेक्ट होगी, तो हम देख रहे हैं कि दोनों पैरल जा रही हैं, तो कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो इस तरीके से जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत बड़ी बनेगी। अब इसके अलावा एक केस आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीचों बीच पड़ा है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इसे भी। ये प्रिंसिपल फोकस और सॉरी पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, अब इसके साथ क्या होगा, जो लाइट पैरेलल जा रही है वो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो लाइट पोल पर पड़ रही है वो आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये लाइट अगर हम पीछे की तरफ खींचते हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, इन्हें क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलिए इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, हमें क्या मिला, हमें एक इमेज मिली जो कि मिरर के दूसरी तरफ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज ए डैश बी डैश है। अब ये जो इमेज बन रही है ये कहां पर बन रही है, अदर साइड ऑफ मिरर, दूसरी तरफ बन रही है मिरर के। अब ये रियल नहीं है क्योंकि असल में लाइट मीट नहीं कर रही, तो ये क्या है, वर्चुअल है, और इन्वर्टेड नहीं है, ये क्या है, इरेक्ट है और मैग्निफाइड है। तो ये थे कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेजेस बन रही हैं उनकी स्टडी हमने की। अब इसके बाद कन्वेक्स मिरर किस तरह से बिहेव करेगा, चलिए देखते हैं। जो कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये पोल है, ये मान लो सेंटर ऑफ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो लाइट पोल पर पड़ेगी वो आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी, और जो लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ेगी वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। अब ये लाइट्स कहीं नहीं मीट करेंगी अगर इधर लेकर आए रियल में, तो इन्हें हम क्या करेंगे, वापस दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये यहां पे क्रॉस कर रही हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या बनेगा इसका, ए डैश बी डैश। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें इमेज वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है और काफी छोटी मिल रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा ही रहेगा बच्चों, जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और छोटी इमेज बनाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या है बच्चों, स्फेरिकल एब्रेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम स्फेरिकल एब्रेशन समझ लें। अगर किसी लेंस अगर किसी मिरर का अपर्चर बहुत बड़ा है तो क्या होगा, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो लाइट रेज नजदीक से जा रही हैं उनको हम बोलते हैं पैराएक्सियल
इनको नाम क्या देते हैं, पैराएक्सियल, पैरा एक्सियल, और ये वाली जो लाइट्स हैं जो दूर दूर जा रही हैं उनको मार्जिनल। तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या है कि जो लाइट दूर दूर जाती है मार्जिनल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट पे मिलेंगी, और जो नजदीक नजदीक जा रही है मींस पैराएक्सियल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट पे मिलेंगी। तो क्या होता है, इससे जो इमेज होती है बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की नहीं बनती, ब्लर्ड इमेज बनती है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि द इनएबिलिटी ऑफ अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, द इनएबिलिटी ऑफ अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर टू फोकस द पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेज एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या है, मींस अगर कोई मिरर ज्यादा बड़े अपर्चर का है तो वो मार्जिनल रेज जो कि दूर से जा रही है और पैराएक्सियल रेज जो कि नजदीक से जा रही है उन्हें एक पॉइंट पर मिला नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो ब्लर्ड बनती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है स्फेरिकल एब्रेशन का, बच्चों इसका सोल्यूशन ये है कि हम स्फेरिकल मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर यूज करें। तो स्फेरिकल एब्रेशन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए मिरर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो कन्वेक्स मिरर को इसी वजह से ड्राइवर्स मिरर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ड्राइवर के लिए वो कन्वीनियंट होता है पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए। अब अच्छा, ऐसा क्या होता है कि हम सिर्फ कन्वेक्स मिरर को ही यूज करते हैं पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए, क्यों नहीं हम प्लेन मिरर यूज कर लेते। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और ये हमारी आई है, अगर किसी एंगल पे लाइट आ रही है तो कितना एरिया से आ रही होगी, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, I इक्वल टू R, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं I इक्वल टू R, ये है फील्ड व्यू, मींस कितना एरिया हम प्लेन मिरर को यूज करके देख सकते हैं पीछे का। लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर को रिप्लेस कर दूं किससे, कन्वेक्स मिरर से, तो क्या होगा, प्लेन मिरर को मैंने कन्वेक्स मिरर से रिप्लेस करने की कोशिश की, अब क्या होगा, मान लीजिए ये लाइट है, ये यहां से आ रही है, लगभग हम यही मान रहे हैं कि उतने ही एंगल से आ रही है जितने एंगल से पहले आ रही थी। अब जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ये होगा, मिरर के 90 डिग्री पे जो लाइन है वो ये होगी, ये देखिए नॉर्मल है इसके, तो I इक्वल टू R का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लाइट गई, देखिए I इक्वल टू R, इसी तरीके से यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा, और I इक्वल टू R लगाएंगे तो ये हो जाएगा। Means, इस बार हमें फील्ड व्यू इतना दिखाई दे रहा है, तो पिछले फील्ड व्यू के से अगर कंपेयर करें तो इस बार का फील्ड व्यू ज्यादा होगा, मींस हमें पीछे का ज्यादा एरिया दिखाई देगा। तो इस वजह से कन्वेक्स मिरर को, इस वजह से कन्वेक्स मिरर को प्रेफर किया जाता है ड्राइवर्स मिरर के तौर पे। अब इसी तरीके से कनकेव मिरर का क्या फायदा है, कनकेव मिरर, बच्चों हम इसे मेकअप मिरर भी कह देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कनकेव मिरर की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पड़ा है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, यहां पर हाईली मैग्निफाइड इमेज बनेगी। तो
इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम मेकअप मिरर के तौर पर कनकेव मिरर को यूज करते हैं। मीन्स जब इसी तरह शेविंग मिरर के तौर पे भी हम इसे यूज कर लेते हैं, मीन्स अगर बहुत नजदीक रखेंगे मिरर को तो उसकी इमेज काफी मैग्निफाइड बनेगी, जो कि हमें जरूरत है। इसी तरीके से मिरर रिफ्लेक्टर्स के तौर पे काम आते हैं और ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज होते हैं। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक जो है दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पर पड़े हुए हैं मान लीजिए एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है, और ये किसी एंगल थीटा पर पड़े हुए हैं और यहां कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो हमें पता है कि इसकी इमेज यहां भी बनेगी, फिर इसकी इमेज यहां भी बनेगी, फिर इसकी इमेज यहां बनेगी, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। तो अगर हमें एक काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। मींस अगर हाँ, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि 360 अपॉन थीटा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर 360 अपॉन थीटा ऑड नंबर है तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, बाइसेक्टर पे होना चाहिए, इस एंगल के बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, 360 अपॉन थीटा इवन नंबर होना चाहिए, या 360 अपॉन थीटा अगर ऑड नंबर है तो ऑब्जेक्ट को कहां पे होना चाहिए, बाइसेक्टर पे होना चाहिए एंगल के। अब तीसरा केस मान लीजिए 360 अपॉन थीटा आपका फ्रैक्शनल वैल्यू में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम उस फ्रैक्शनल वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 12.3 आ रहा है माइनस 1, तो मान लीजिए 11.3 आ रहा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 11, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी 11। तो इतना क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारे रिफ्लेक्शन के सभी टॉपिक खत्म हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन को लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।